जो पहले तिरुपति को आया था वो पहले जैसा ही टेस्ट था ना वैसा ही इस बार ही लड्डू का टेस्ट वही है। आधी का लड्डू का स्वाद वही है, एक ही है, थोड़ी अच्छा है, बहुत पसंद है, बहुत नमो है। अभी तो सही है, कैसा लड्डू बन रहा है। भारत के सबसे बड़े मंदिरों की लिस्ट में शामिल और विश्व प्रसिद्ध भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति बालाजी के प्रसाद को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा था कि रेड्डी के शासनकाल में प्रसाद में जानवरों की चर्बी और गलत सामग्री का इस्तेमाल किया जाता था, इससे करोड़ों भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। अब मंदिर के प्रसाद में शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रसाद की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। अब सीएम के बयान की पुष्टि भी हो चुकी है। प्रसाद में मिलावट की पुष्टि होने पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुझे जो लैब की रिपोर्ट मिली है उसमें स्पष्ट है कि प्रसाद की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया गया है, प्रसाद में अपवित्र वस्तुओं की मिलावट की गई है। जो भी लोग इस अनियमितता में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें काम से हटा दिया गया है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। प्रसाद के साथ जो अपवित्रता की गई है, टीटीडी की जांच में और लैब की रिपोर्ट में ये बात सामने आ चुकी है, और अब उन लोगों का अहंकार दूर हो गया है जिन्हें लगता था कि कोर्ट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको बता दें कि हर साल करीब 3 करोड़ लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इसका संचालन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के द्वारा किया जाता है, जो मंदिर से जुड़ी हर चीज का ध्यान रखते हैं। इन सबके बीच टीडीपी नेता एवी रेड्डी ने भी आरोप लगाया है कि घी की कीमत 1000 होने के बाद भी मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने के लिए खरीदे जाने वाले घी को महज 325 रुपए में खरीदा गया। जानबूझकर ऐसी सामग्री का उपयोग किया गया जिसमें मिलावट थी। तिरुपति के प्रसाद में चर्बी मिलने की खबर पर श्रद्धालुओं ने क्या कहा, सुनिए। आज आंध्र प्रदेश शासन में जो प्रसार हो रहा है कि अब जो गवर्नमेंट आने के बाद लैब टेस्ट रिपोर्ट लेने के बाद अब आचन स्वच्छता के साथ जो लड्डू दे रहे हो गए और जरूर सही है, फिर भी कुछ ही ना कुछ कमेंट पब्लिक से या यात्रियों से कुछ भी नहीं मिल रहा है कि नमो वेंकटेश है जो लड्डू है स्वच्छता है। मैं जो पहले तिरुपति को आया था दो पहले जैसा ही टेस्ट था ना वैसा ही इस बार ही लड्डू का टेस्ट वही है। अभी जो मैं आज मॉर्निंग को चंद्रबाबू नायडू जो कि एपी के सीएम है उन्होंने स्टेटमेंट ऐसा दिया है कि वो अपना जो लड्डू बनाते हैं तिरुपति में उसमें जो ये मिक्स करते हैं चर्बी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से मैं बोले तो ईयरली में 5-6 बार तिरुपति को आ जाता हूँ, जो टेस्ट है वही लड्डू का टेस्ट है। तिरुपति में जो लड्डू का प्रसाद बांटा जा रहा है, पहले का लड्डू का स्वाद अभी का लड्डू का स्वाद वही है, एक ही है, थोड़ी अच्छा है, बहुत पसंद है, बहुत नमो है। अभी तो सही है, कैसा लड्डू बन रहा है। वही इस मामले को लेकर धर्मगुरु भी भड़के नजर आए और उन्होंने पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी को लेकर बहुत कुछ कह दिया। लड्डू जिसे हम अपार श्रद्धा के साथ भगवान वेंकटेश्वर के सामने अर्पित करते हैं, उस लड्डू में फिश ऑयल की बात, उस लड्डू में सुअर के चर्बी के इस्तेमाल की बात सामने आ गई। राकेश जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीटीडी का जो चेयरमैन व्यक्ति बनाया गया था वाईएसआर रेड्डी के द्वारा, जगन मोहन रेड्डी के द्वारा, वह व्यक्ति क्रिश्चियन था। प्रश्न यह उठता है कि मंदिर में चेयरमैन क्रिश्चियन क्यों है, मंदिर में मुसलमान और क्रिश्चियन क्यों बनाया जाता है? यहीं से जो है षड्यंत्र दिखाई देता है और जगन मोहन रेड्डी के षड्यंत्र से ही यह घटना घटा है। चेयरमैन जो है वह क्रिश्चियन है और उसके साथ साथ जिस संस्था को दिया गया घी 10,000 लीटर प्रतिदिन घी का खपत है, उस कंपनी का मालिक भी जो है वह क्रिश्चियन है और इसके कारण यह पूरी तरह से सनातन धर्म के ऊपर षड्यंत्र है और यह अपराध क्षम्य नहीं, अक्षम्य अपराध है और इसमें
सभी को फांसी होना चाहिए, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हो, उस मंदिर के चेयरमैन हो, अथवा घी बनाने वाले कंपनी के मालिक हो, सबको फांसी होना चाहिए। और फांसी भी छोटी सजा है। जिस तरह की घटना 100 करोड़ से ज्यादा हमारे सनातनियों को यह प्रसाद खिलाया गया, बीफ और सुअर की चर्बी और मछली, इन सब को पूरी तरह से धर्म को नष्ट किया गया है। यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, यह सनातन धर्म को तबाह करने का पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। 1 लाख लड्डू जो है वह राम मंदिर उद्घाटन पर आया था, जिस लड्डू का उपभोग पूरे भारत के एक एक संत लोग किए थे, सबको इस तरह से। मुझको लगता है कि यह है हिंदू समाज के साथ एक बहुत बड़ा आघात किया गया है, जो अक्षम्य है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। 1 महीने पूर्व की घटना है कि मेरे पास तिरुपति बालाजी का प्रसाद आया, मैंने ग्रहण किया और बहुत सारे लोगों को मैंने दिया, लेकिन इस घटना के बाद ऐसा लगता है कि भाई पैरों तले जमीन हमारी खिसक गई कि इतने बड़े मंदिर में किस प्रकार का प्रपंच कर। देखिए, बात हिंदू आघात तो हुआ ही हुआ, हमारी श्रद्धा और आस्था पर आघात तो हुआ ही हुआ, लेकिन प्रश्न ये है किस मानसिकता से वो षड्यंत्रकारी शक्तियां, विरुद्धकारी शक्तियां, उनकी योजना क्या थी, वो करना क्या चाह रहे थे, वो चिंता की बात है। वो लोग कौन बैठे थे और जगनमोहन रेड्डी के शासन काल के अंदर, भाई मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, उस शासन का मुख्यमंत्री जिम्मेदार होगा। जगनमोहन रेड्डी के शासन काल में जो वहां के बोर्ड का अध्यक्ष बना था वो क्रिश्चियन था, एक हिंदू धर्म स्थल पर क्रिश्चियन अधिकारी क्यों आया, किस योजना से आया, सरकार की जांच में ये खुलासा हुआ है। मुझको लगता है कि दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, अक्षम्य है, क्षमा करने योग्य नहीं। स्वामी अमनगिरी, कोंडा राजीव गांधी की बातें आपको समझ में आई? मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आई। हिंदू धर्म का विरोधी जगनमोहन रेड्डी जिस तरीके से सरकार चला रहा था, जिस तरीके से मंदिर तोड़ रहा था, जिस तरीके से मंदिर की प्रतिमाओं को चोरी करवा रहा था, जिस तरीके से प्रसाद में मीट मिलवा रहा था, यह क्या क्षमा योग्य है? इसके लिए क्या हमें इसे क्षमा करना चाहिए? अरे गांधी जी, जो आप बात बोल रहे हो उसके बारे में थोड़ा पढ़कर आओ कि कौन सी लेब एजेंसी ने आपको यह रिपोर्ट दी है। यह पूरी तरह से आपको क्षमा नहीं मिलेगी। भारत का या विश्व का कण कण का साधु समाज आपको इस बात के लिए श्राप देगा कि जिस तरीके से आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हो, आप श्री स्वामी हतिराम मठ को तोड़ा आपने, आपने उसमें मठ का महंत बदला, आपने कितने मंदिर तोड़े और तिरुपति बालाजी महाराज के महाप्रसाद में आपने मीट मिलवाया, ये आज हमें क्षमा करने योग्य आपने कृत्य कराया।